सो हेलो नमस्ते सलाम और सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है सभी का अफगानिस्तान 2.0 पर। सो गाइस इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ शान के रीसेंट कंट्रोवर्सी के बारे में। शान ने जो है गाइस एक इंटरव्यू में बहुत कुछ बोला था रैप म्यूजिक के बारे में उल्टा सीधा, और बल्कि वो तो ये बोल रहे थे कि रैप जो है वो म्यूजिक ही नहीं है। और इसके साथ साथ जो है उन्होंने यो हनी सिंह के भी गानों का जो है काफी ज्यादा मजाक उड़ाया था। सो गाइस इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसी के ऊपर जो है गाइस मैं आपको नेक्स्ट रिएक्शन देने वाला हूँ पीप ओए के चैनल की तरफ से। सो गाइस इस सारी कंट्रोवर्सी के होने के बाद जो है पीप ओए ने भी एक वीडियो बनाई थी जिसमें कि उन्होंने सारे पॉइंट्स को क्लियर आउट किया था कि शान ने कहां कहां पर जो है ये गलती की है और जो है ऐसा उनको नहीं बताना चाहिए था। तो उसके ऊपर जो है गाइस शान ने अपना रिएक्शन भी दिया था कमेंट्स पे, तो आप अगर चाहें तो वीडियो को पॉज करके पूरा कमेंट पढ़ सकते हैं गाइस। और फिर उसके बाद ये हुआ कि पीप ओए ने भी अपनी तरफ से जो है एक कॉमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई दिया था शान को, और साथ ही साथ गाइस उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी भी अपलोड करी थी। तो मैं स्टोरी आपको दिखा देता हूँ वीडियो क्लिप, आप भी देखिए कि पीप ओए क्या बोलना चाहते हैं। गाइज अभी शान ने रिसेंटली अपने इंटरव्यू में बोला कि रैप जॉनरा में म्यूजिकलिटी नहीं और इसलिए वो कैच कर लोग ज़्यादा उसको बनाते हैं, लोग ज़्यादा उसको सुनते हैं। मैंने उस पर रिएक्ट किया और मैंने कुछ एग्जांपल्स कोट किए शान के खुद के सॉन्ग्स जो हैं कि कैसे दोज वर वेरी वेरी सिंपल, दोज वर वेरी क्रिंजी। तो अगर म्यूजिकलिटी रैप में नहीं है तो उन सॉन्ग्स को क्या बोलेंगे आप? एंड यू मस्ट वॉच दैट वीडियो, आई गेव द एंटायर व्यू पॉइंट। It was my opinion, but then Shan replied on that. He commented on that video saying that the editing is out of context. It's a pathetic video, or I'm trying to be pathetic. But as you know, I never abuse, I never humiliate somebody. In fact, in that same video, I sung his songs and I said that I admire the hard work that he's done. He's an amazing guy. He deserves all the credit to be one of the popular singers. And his reply bhi kya unke comment pe. So you can watch that. I'll share some of the comments and some of the feedback that I've been getting about it, but I thought I'd share this with you. I really didn't want to ridicule the guy. I think he's an amazing singer. We are all proud of him. He's a good guy. But yeah, I mean, when you say something out of context and you ridicule some genre or some form of music, then it is important that we also call that out, because Bollywood film music is no less. It is also very commercial in nature, and it's also very very cringy at times. So you can't judge one song and you just give your opinion and make your opinion on the entire form of music or the entire genre. So that's what I would say. And I've given numerous examples that how some of the rap artists have come from such a small background, and they've come from the road, they've come from the streets and made it big. It's not like, you know, somebody in the family was in the film industry. They become independent without any backing, without any support, without any support of music labels. So we need to, you know, really appreciate it, and we need not quote a couple of examples and show the entire genre and entire community in a bad light. So, काफी ज्यादा लोगों ने ऑलरेडी ट्रोलिंग करना शुरू कर दिया है, और ये ट्रोलिंग जो है गौरव जोन ने सबसे पहले किया था अपने गेमिंग चैनल पर, उसके बाद YPM ने भी अभी जो है अभी रिसेंटली अपना इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपना रिएक्शन भी दिया है, प्लस उन्होंने ये भी बोला है कि वो 1 करोड़ का जो है केस फाइल करने वाले उनके अगेंस्ट। तो गाइज इसके ऊपर वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। और अभी गाइज आपको बताना चाहूंगा लेटेस्ट रिएक्शन आ रहा है मैक्स टर्न की तरफ से। तो मैक्स टर्न ने भी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे शेयर करते हुए कुछ बोला है रिगार्डिंग कि वो एक वीडियो बनाने वाले हैं, रोस्ट वीडियो जो कि होने वाला है गटसी लड़का के ऊपर। तो आप भी देखिए गाइस कि वो क्या बोल रहे हैं। तो यूट्यूब पे एक बंदे को रोस्ट करने का बहुत ही बड़ा शौक है, तो इसी को रोस्ट करते हैं द गटसी लड़का ऑन यूट्यूब। बी रेडी, जितने सबूत रेडी रखने रखो। बाकी गाइस मेरा नया धंधा रोस्टिंग चैनल है, ठीक है। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपनी दूसरी अपडेट की ओर, मैं बात करने वाला हूँ आशीष चंचलानी के बारे में। सो गाइस आशीष चंचलानी ने अभी रिसेंटली अपने इंस्टाग्राम पर एक लाइव किया था जिसपे कि उन्होंने रिक्वेस्ट किया अपने यूट्यूबर और अपने सेलिब्रिटी फ्रेंड्स से। अब वो क्या रिक्वेस्ट किया था गाइस उस पूरी वीडियो में से मैं आपको एक छोटा सा क्लिप प्ले करके दिखा रहा हूँ, आप समझ जाओगे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप लोगों को तो मालूम ही होगा 2 दिन से लोगों की बहुत हालत खराब है, लोगों की जान जा रही है, काफी लोग मर रहे हैं, एंड कुछ लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत है तो कुछ लोगों को दवाइयों की जरूरत है। कुछ दिनों से मेरी हेमकुंड फाउंडेशन के फाउंडर हरतीरथ से बात हो रही है, एंड उन्होंने मुझे फ़ोन करके बताया कि उनको जितने भी डोनेशंस आ रहे हैं वो उनको बहुत कम पड़ रहे हैं। 2 दिन से मैंने डोनेट किया, मेरी फैमिली ने थोड़ा डोनेट किया, मैंने स्वाइप अप स्टोरी भी डाली थी 2 दिन पहले, लोगों ने डोनेट किया लेकिन उनको काफ़ी नहीं पड़ रहा है। तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एंड मैं अपना मैं पब्लिक से रिक्वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत लोगों की फाइनेंशियल हालत ख़राब है। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ मेरे जितने भी सेलिब्रिटी फ्रेंड्स हैं, ऑल ऑफ यू, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, माई फ्रेंड्स फ्रॉम यूट्यूब, माई फ्रेंड्स फ्रॉम बॉलीवुड, माई फ्रेंड्स फ्रॉम द क्रिकेट फील्ड, मतलब आप लोग जो भी हो ना ये देख रहे हो, प्लीज़ डोनेट
टू हेमकुंड फाउंडेशन और एनी अदर फाउंडेशन दैट यू नो एंड ट्रस्ट। मैं आपको पर्सनली बता रहा हूँ, मैं हेमकुंड फाउंडेशन को जानता हूँ एंड वो लोग ग्राउंड रियलिटी पे जितना काम कर रहे हैं ना, आई डोंट थिंक मैंने किसी को काम करते हुए देखा है। सो आई एम रिक्वेस्टिंग, मैं और डोनेशन दे रहा हूँ उनको एंड आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल एज वेल टू प्लीज डोनेट देम, क्योंकि बहुत लोगों की जानें बच रही है। एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एनोनिमसली सही, साइलेंटली सही जाके डोनेट कर दीजिए। आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग। ऐसा समझो मैं मेरे फ्रेंड्स, आप लोग सबसे पर्सनली रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऑल दी सेलिब्रिटीज आई नो प्लीज। सो हाँ गाइज, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन पैनल पे मिल जाए।